नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह डहरिया है। मेरा शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी है और मुझे शिक्षा में 13 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिला कोरिया की विशेषता है कि जिले के अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है। यहाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभयारण्य है। पर्यटन की दृष्टि से बालम हिल टॉप प्राकृतिक विहंगम दृश्य के लिए है। जलप्रपात में गौरघाट अमृत धारा है और यहाँ गांगी रानी आदि शक्ति पीठ है और राम वनगमन पथ इत्यादि प्रमुख है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला जामपारा में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 28 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। जब 2007 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो बच्चे की स्थिति देख मैं सोचने लगा कि इन बच्चों की अध्ययन की स्थिति से कैसे सुधार लाया जाए। उस समय बेसिक अध्यापन से शुरू किया। कुछ समय में थोड़ा सुधार हुआ। धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते गए। हम कुछ नया उपाय भी करते गए, जैसे समूह कार्य, कक्षा कार्य, खेल खेल में शिक्षा। जब मैं श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया तो पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है, और हमने अपनाया भी। मुझे 5 सितंबर 2017 को मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार शिक्षा दूत से सम्मानित किया गया। कोरोना ड्यूटी के लिए कोरोना वॉरियर से सम्मानित हुआ। मोहल्ला क्लास के लिए राज्य स्तर से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधि चल रही थी, मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे। मैंने समस्या का समाधान प्रशिक्षण के दौरान किया। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री ओम दुबे ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। आशा करता हूँ मेरा विद्यालय खंड स्तर पर रोल मॉडल होगा। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।